हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर होम चैनल में। और आज की इस नए वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही बेहतरीन से किचन टिप्स, जो आपके कुछ मुश्किल लगने वाले कामों को आसान कर देंगे। जैसे कि आज की ये पहली टिप, कई सारे स्नैक्स के पैकेट खोलने के बाद इसे फिर से रिसील करना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो इसमें जो भी फूड वगैरह रखे होते हैं ये सॉफ्ट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। और इसके लिए इन पैकेट्स को पैक करने के लिए हम कई बार रबर्स लगाते हैं, कई सारे सीलिंग क्लिप्स वगैरह भी लगाते हैं, लेकिन हर बार हमारे पास ऐसी चीज़ें हो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो इसके लिए आप क्या करें, आप ले लें सीजर और इस सीजर की हेल्प से इस पैकेट को कुछ इस तरीके से बीच में काट लें। इसे बीचों बीच कुछ इस तरीके से काटने के बाद ये बिल्कुल दो पार्ट में इस तरीके से ये पैकेट आपको मिल जाएगा। और अब हमें एक नॉट बांधना है, जैसे हम नॉर्मली किसी भी चीज़ की नॉट बांधते हैं वैसे ही इस पैकेट की भी एक या दो, जितने पॉसिबल हो उतने नॉट आप बांधें। तो आप देखोगे बिना किसी रबर के, बिना किसी क्लिप के ये पैकेट फिर से रिसील हो जाएगा। कई सारे रेसिपीज़ के लिए हमें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च चाहिए होती है, और इसके लिए इस शिमला मिर्च को हम कट तो करते ही है, लेकिन इस शिमला मिर्च के साथ साथ इसके अंदर जो सीड्स होते हैं ये भी इस शिमला मिर्च में मिक्स हो जाते हैं। बाद में ये सीड्स और मिर्च सेपरेट करना हमें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग वाला काम लगता है। तो ऐसा ना हो और कट करते वक्त ही कुछ स्मार्ट तरीके से अगर हम इस शिमला मिर्च को कट करें तो इसमें से जो बीज है ये ईजिली सेपरेट हो जाएंगे। और इसके लिए जब भी आप शिमला मिर्च कट करें तो सबसे पहले इसकी जो लाइन्स होती है कुछ इस तरीके से, इस शिमला मिर्च के ऊपर हम कुछ कट्स लगाएंगे। कट्स लगाने के बाद ये शिमला मिर्च हम ओपन करेंगे तो आप देखोगे अंदर जो भी सीड का पार्ट होता है आसानी से सेपरेट हो जाएगा। अब इसे आप सिंपली रिमूव कर दें। ये बीज का पार्ट अब सेपरेट हो गया। अब इस बचे हुए शिमला मिर्च को आप जिस चाहे उस शेप में कट करके किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हो। हमारी नेक्स्ट टिप है इडली को लेकर। जब भी इस इडली के प्लेट में से हम इडली निकालते हैं तो आपने देखा होगा इडली कई बार काफ़ी गीली चिपचिपी निकलती है। तो ऐसा ना हो इसके लिए आप करें एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक। इडली कुकर में जो इडली प्लेट्स होते हैं इसे ही हमें प्रॉपर इसमें रखना है। जैसे कि आप देख सकते हो इडली प्लेट्स में होल्स भी दिए गए होते हैं, तो इस होल को हर एक इडली के ऊपर आना चाहिए। इस तरीके से इस इडली प्लेट्स को आप अरेंज करें जैसे कि मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया है। सबसे पहले इडली, इसके ऊपर ये होल्स, फिर इडली और फिर इसके ऊपर होल्स। कुछ इस तरीके से आप इन प्लेट्स को रखिए और इसी तरीके से इसे आप अरेंज कर कुकर में रखें। तो आप देखोगे जो इडली होगी इसे प्रॉपर स्टीम मिलेगी और इसी के कारण जब भी ये इडली तैयार होगी तो ये बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनेगी। ठंडे होने के बाद आप इसे निकाल कर देखोगे तो ये बिल्कुल प्रॉपर सूखी हुई निकलेगी। जब भी हम कोई सूखी मसाले वाली सब्जी किसी पैन में बना रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि सब्जी में से जो भी मॉइस्चर होता है ये पूरा ख़त्म हो जाता है और इसी के कारण ये सब्जी बॉटम पर चिपकने लगती है। कई बार जलने की स्मेल भी इसी सब्जी में आ जाती है। तो ऐसा ना हो इस सब्ज़ी में अगर थोड़ा भी मॉइस्चर कम होने लगे और ये सब्ज़ी बॉटम पर चिपक रही है ऐसा आपको लगे तो तुरंत आप इस सब्ज़ी में डालें एक से दो आइस क्यूब। आइस क्यूब डालते ही इस सब्ज़ी को अच्छी तरीके से मिला ले तो आप देखोगे जो भी इसका हाई टेम्परेचर था ये नॉर्मल हो जाएगा। सब्ज़ी जो बॉटम पर चिपकने लगी थी अब बिल्कुल ये चिपकेगी नहीं और सब्ज़ी में बिल्कुल भी जलने की स्मेल भी नहीं आएगी। कई सारे रेसिपीज़ के लिए हमें बारीक कटा हुआ या फिर स्लाइस में कटा हुआ बिल्कुल खिला खिला एक एक सेपरेट किया हुआ प्याज चाहिए होता है। जैसे कि बिरयानीज वगैरह, पुलाव वगैरह बनाने के लिए हमें फ्राइड करने के लिए प्याज चाहिए होता है। तो प्याज को कट करने के बाद कई बार ये जो प्याज होता है सेपरेट हमें मिलता नहीं है, खिला खिला बिल्कुल मिलता नहीं है। तो ये प्याज कट करने के बाद बिल्कुल खिला खिला मिले इसके लिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप प्याज को कट करें तो नॉर्मली जैसे इसके दो पार्ट करते हैं वैसे ही हमें इसे करना है, इसका छिलका भी निकालना है। लेकिन डायरेक्टली इसे कट नहीं करें और भी इसके अंदर कुछ रूट पार्ट्स अंदर होते हैं इसे हमें रिमूव करना है और इसी के बाद हमें प्याज को कट करना है। काफ़ी सारे प्याज के अंदर कुछ इस तरीके का ये रूट पार्ट थोड़ा बहुत बचा होता है तो इसे आप नाइफ की हेल्प से पहले कट करें और फिर जैसे चाहिए वैसे स्लाइस में या फिर क्यूब में
आप इस प्याज को कट करें तो आप देखेंगे बिल्कुल खिला खिला एक एक स्लाइस इस प्याज का आपको सेपरेट कट हुआ मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज के इस वीडियो में बताए गए ये छोटे से बट उतने ही इम्पॉर्टेंट टिप्स आपके लिए भी ज़रूर यूज़फुल रहे होंगे। तो इसमें से कौन सी टिप आपको नई और यूज़फुल लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के आगे एक नोटिफिकेशन बेल है, उसे भी प्रेस करना ना भूलिए।